कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के इतने सारे वेरिएंट आने के बाद आपको ये सवाल सता सकता है कि आखिर सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट कौन सा है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सबसे खतरनाक वेरिएंट का नाम बता दिया है, जो कि है द क्रेकन वेरिएंट। द क्रेकन वेरिएंट भारत में भी मौजूद है और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन के सारे वेरिएंट हवा में मौजूद हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी तक इनका गंभीर संक्रमण देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या क्रेकन वेरिएंट इतना खतरनाक है कि कोरोना की लहर ला सके? इस बारे में WHO ने विस्तार से जानकारी दी है, जिसके साथ इस वीडियो में क्रेकन वेरिएंट के लक्षणों के बारे में जानेंगे। व्हाइट हाउस के COVID-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष केझा ओमिक्रॉन XBB.1.5 को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है और महज कुछ ही हफ्तों में 4% से 40% तक पहुंच गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की COVID-19 टेक्निकल लीड मारिया वैन कर्कोव ने ओमिक्रॉन XBB.1.5 वेरिएंट को अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया है, क्योंकि दूसरे वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है और उन्हें हटाकर खुद आक्रामक बन जाता है। मारिया ने प्रेस वार्ता में कहा है कि क्रेकन वेरिएंट के कारण COVID-19 संक्रमण की अगली लहर आ सकती है। WHO ने बताए क्रेकन वेरिएंट के लक्षण। ओमिक्रॉन XBB.1.5 के लक्षण पुराने वेरिएंट की तरह ही हैं। इसलिए अगर इसके कारण कोरोना की नई लहर आती है तो निम्नलिखित लक्षण तबाही मचा सकते हैं: नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान आदि।